City University of London. City University of London is a public research university in London, UK, and a member institution of Federal University of London. It was founded in 1894 as the Northampton Institute and became a university when the City University was created by the Royal Charter in 1966. City University of London is a leading UK university with the global vision, a commitment to transforming life through education. It is home to nearly 200,000 students and has over 220,000 alumni from over 160 countries. It is ranked 328 in the QS World University Ranking 2024. The city is 39th in the UK out of 129 universities according to the Times Higher Education. City University of London ranked 889 in the best global university. City University of London has an acceptance rate of 12%, meaning that it is highly selective in student intakes. डिस्कस करते हैं इसकी इंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में. HSC, FSC, SSC के जो स्टूडेंट्स हैं आर एलिजिबल. स्टूडेंट मस्ट हैव रिकग्नाइज फाउंडेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन या फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन. लाइक इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है, दे कैन अप्लाई थ्रू द फाउंडेशन ईयर. इंटरनेशनल बैकलेट IB की अगर बात करूँ तो मिनिमम 33 पॉइंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू स्टैंड अ गुड चांस टू गेट द एडमिशन. अदरवाइज यू नीड 33 और हायर टू सिक्योर द एडमिशन एट दिस यूनिवर्सिटी. ए लेवल्स की बात करें तो ए लेवल्स में रेंज फ्रॉम AAA टू BCC डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स. मिनिमम BCC आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, मैक्स AAA एंड अबव द डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम यू चूज. इससे नीचे वाले स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल और इज बेटर नोट टू अप्लाई, यू वॉन्ट गेट द चांस टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट द क्लियरेंस में अगर कोई किसी का चांस लग जाए तो. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में सिंपल, एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट शुड नॉर्मली होल्ड यूनिवर्सिटी ऑनर्स डिग्री विच इज 4 years ऑनर्स डिग्री है और इक्विवेलेंट विद अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और विद हायर सब्जेक्ट और हायर CGPA. लाइक आप कह लेंगे फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो, जो UK फर्स्ट डिवीजन 2.1 बनता हो या 3.0 प्लस CGPA हो आउट ऑफ 4. और अगर आप आउट ऑफ 5 इंडियन स्केल के ऊपर हो तो आप समझेंगे 4 या उससे प्लस होना बहुत ज़रूरी है, देन यू आर एलिजिबल हायर द ग्रेड हायर द चांसेस टू गेट द एडमिशन. उधर डालते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में. IELTS मिनिमम जो है 6.5 ओवरऑल विद ईच कंपोनेंट 6 होना बहुत ज़रूरी है. PT ओवरऑल आपसे 59 इन ईच एरिया आपका होना बहुत ज़रूरी है इंक्लूडिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग ओवरऑल आपके ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है. TOEFL IBT और TOEFL एट होम सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो 72 ओवरऑल विद नो लेस देन 17 इन राइटिंग एंड लिसनिंग, 18 इन रीडिंग एंड 20 इन स्पीकिंग होना बहुत ज़रूरी है. बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस की. आर्ट्स की डिग्री, आर्किटेक्चर की डिग्री एंड बिजनेस की डिग्री जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन में ऑफर होती हैं, इनकी फीसिस जो हैं वो 18,410 पाउंड है. इंजीनियरिंग की डिग्री 24,500 पर ईयर से स्टार्ट हो जाती हैं. लॉ सेम 18,140 पाउंड पर ईयर हम पे मिल जाती हैं आपको. नर्सिंग 29,250 पाउंड में, साइकोलॉजी आपको 20,700 पाउंड में मिल जाता है और साइंसिस की तमाम पर डिग्री आपको 20,080 पाउंड में मिल जाती हैं पर ईयर पे. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें, आर्ट्स की डिग्री जो है वो 13,630 पाउंड्स पर एनएम पे आपको मिल जाती है. बिजनेस 12,250 पर एनएम से स्टार्ट हो जाती है. इंजीनियरिंग 19,100 पाउंड्स पर एनएम पे मिलता है. एजुकेशन 13,370 पाउंड्स पर ईयर. लॉ 11,140 पाउंड्स पर ईयर. साइंसेज की डिग्री 13,500 पाउंड्स पर ईयर. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 12,250. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेम 12,250 पाउंड्स में. डेटा साइंस 19,100 पाउंड्स पर एनएम. साइकोलॉजी 12,250 पाउंड्स पर एनएम एंड नर्सिंग 13,500 पाउंड्स पर एनएम पे आपको मिल जाता है. ये इसके अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड की फीसें थी. अब नजर डालते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में जिसका आप इंतजार कर रहे थे. दे डू ऑफर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. जो स्कॉलरशिप है दे कॉल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप. जो वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप है एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैंने इसका तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मैंशन किया हुआ है. इसके टर्म्स एंड कंडीशन मैंने इसमें मैंशन की हुई है. हाउ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप आप देख रहे होंगे. ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर अगर आप जाएँ तो आपको इनकी तमाम तो डिटेल्स मिल जाती हैं स्कॉलरशिप के हवाले से. और जो वैल्यू है वो 50% ऑफ योर कोर्स फी फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली. तो 50% तक का स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है अगर आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं जो मेरी वेबसाइट पे या आप मेरी स्क्रीन पे आपने देखी है.
Next scholarship they call Bynes Business School International Scholarship. ये स्कॉलरशिप भी जो है 5,500 पाउंड्स पर एनम ईच स्टूडेंट को अवार्ड होता है. साल में एक ही ओनली वन स्कॉलरशिप इज अवेलेबल. डेडलाइन 31st of August 2023 और नेक्स्ट ईयर 2024 है, तो 24 के लिए है डेफिनेटली. 31st अगस्त से पहले पहले आपने इसको करना है. नोटिफिकेशन जो है स्कॉलरशिप का वो आपको 30th नवंबर 2024 से पहले मिल जाएगा. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर, और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, हाउ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप. मेरी वेबसाइट पर जाएँ studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने इसका तमाम तक क्राइटेरिया मैंशन कर दिया है. नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप. ग्लोबल स्टेम लीडरशिप मास्टर स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं जो कि स्टेम प्रोग्राम्स वालों के लिए है. अप टू 10 स्कॉलरशिप विच कवर 75% of the tuition fees, or 15 scholarship which covers 50% of the tuition fees. So this is a good university for STEM students. They can avail STEM Global Leadership Program. Eligibility criteria and how to apply you can find at my website studyabroadupdates.com. You have my screen pe dekh rahe honge. May 31st is the deadline to avail this scholarship, or terms and conditions bhi maine us pe mention kar di hain.